हेलो एवरीवान वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे एंटी थायरॉयड ड्रग्स के बारे में और सीखेंगे उनके बेसिक यूजेस के बारे में और साथ ही करेंगे हम उनकी डिटेल फार्माकोलॉजिकल स्टडी और जानते हैं किस तरह से ये मेडिकेशन को प्रॉपरली यूज़ किया जाता है उनके डोज वगैरह क्या होते हैं और कब हाइपर थायरॉयडिज़म के अंदर कौन से मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करें और जब हाइपोथायरॉइडिज्म होता है तब कौन से मेडिसिन यूज करने चाहिए तो सभी के बारे में जानते हैं ये वीडियो लेक्चर में डिटेल में तो एंटी एंटीथायरॉयड ड्रग्स मतलब कि ऐसी दवाइयाँ के जो थाइरॉयड के इलाज में काफ़ी उपयोगी होती है तो जानते हैं इनके बारे में डिटेल में तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय सर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मरॉक्स थैंक यू फॉर बीइंग टू लेक फैमिली ऑफ फार्मोरॉग्स अपडेटेड रहिए फार्मर नॉलेज के साथ एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर फ़ार्म के ऐप ऊपर तो एंड्रॉयड यूज़र एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आईफोन यूजर ऐप स्टोर पर से लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी तो सबसे पहले समझिए कि एंटी थायरॉयड ड्रग्स क्या है तो दीज आर ए क्लास ऑफ मेडिकेशन यूज इन ए ट्रीटमेंट ऑफ थायरॉयड डिसीजेज़ कि थायरॉयड ग्लैंड रिलेटेड जो डिसीज एंड डिसऑर्डर से उनके इलाज में जो यूज़ होने वाली जो दवाइयाँ हैं उनको एंटी एंटीथायरॉयड ड्रग्स कहा जाता है और ये मेडिसिन का काम यही होता है कि जो थाइरॉयड हार्मोन्स जो रिलीज़ होते हैं थाइरॉयड ग्लैंड के द्वारा तो उनको नॉर्मलाइज करने का जो है वो काम करती है ये मेडिकेशन तो इसीलिए उनको कहा जाता है एंटी थाइरॉयड ड्रग्स कि जब थाइरॉयड हार्मोन्स का प्रॉपर अमाउंट में रिलीज़ नहीं हो रहा है थायरॉयड ग्लैंड में से तो उस वक्त आप ये मेडिसिन को लेके उनकी जो वैल्यू है वो फिर से नॉर्मलाइज़ कर सकते कि जिससे आपकी जो है वो थाइरोयड ग्लैंड वो अच्छे से फंक्सन इन कर सके और थाइरोयड हार्मोन भी प्रॉपर अमाउंट के अंदर ही बॉडी के अंदर रिलीज हो सके तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि थायराइड ग्लैंड के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए तो एंटी थायराइड ड्रग्स के बारे में समझने में काफ़ी आसानी होगी तो थायराइड ग्लैंड जो है वो यहाँ पे आई हुई है कि जो हमारा थ्रॉट का जो पोर्सन हम कहते हैं ट्रैकिया का जो पोर्सन कहते हैं और जस्ट बिलो द लैरिंग्स के लैरिंग्स के जस्ट थोड़ा नीचे आई हुई है और ये थायराइड ग्लैंड आप यहाँ पर जो देख रहे हैं कि जो एक बटरफ्लाई सेप की ग्लैंड होती है उसका एक लोब राइट साइड होता है और दूसरा लेफ्ट साइड तो ये वाली थाइरॉयड ग्लैंड है तो एक हो गया उसका राइट right साइड का एक पोर्सन और एक ये लेफ्ट साइड का एंड इट हैज़ ए टू लॉब्स जैसे मैंने समझा दिए और ये दोनों लॉब जो बीच में ये इथमस है उससे जो है वो जुड़े हुए होते हैं और बटरफ्लाई सेप की यह ग्लैंड होती है कि जो हम बटरफ्लाई देखते हैं ऐसा सेम उसका सेप देखने को मिलेगा आपको एंड ये जो ग्लैंड है वो थायराइड हार्मोन्स को रिलीज़ करती है कि जो आगे जाके यूज़ होते हैं बॉडी के द्वारा एनर्जी प्रोडक्शंस के लिए ये हार्मोन्स आगे जाके यूज़ होते हैं मेटाबॉलिज्म वगैरह की जो प्रक्रियाएं होती है उसमें भी हेल्प करते हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है थायराइड हार्मोन का भी बॉडी के अंदर बट कई बार क्या होता है कि जब थायराइड ग्लैंड के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है तो कोई बार ये थायराइड हार्मोन्स की रिलीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है या फिर कोई बार बहुत ही कम अमाउंट में रिलीज होते हैं तो ये थायराइड ग्लैंड के दो मेन हार्मोन्स हम कह सकते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड के अंदर आए जो थायराइड फॉलिकल्स जो होते हैं कि यहाँ पे यहाँ लिखा है कि थायराइड फॉलिकल्स तो ये थायराइड फॉलिकल्स क्या करते हैं टी थ्री एंड टी फोर को रिलीज करते हैं जो हम कहते हैं कि मेन थायराइड हार्मोन टी फोर मतलब कि थायरॉक्सिन एंड टी थ्री का मतलब होता है ट्राई आइडो थायरोनिन तो ये दोनों को रिलीज करने का काम करता है ये थायरॉयड फॉलिकल और इनके फंक्शन के लिए जरूरी होता है आयोडीन कि आयोडीन इज़ नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस हार्मोन तो जब हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन की जो डेफिशिएंसी हो जाती है कि जिसको हम कहते हैं कि आयोडीन डेफिशिएंसी तो जब आयोडीन भी कम हो जाता है तो भी कई बार ये थायरोयड ग्लैंड के जो हार्मोन्स के सिक्रेशन के ऊपर असर पड़ता है बिकॉज ये जो हार्मोन्स के स्ट्रक्चर के अंदर मेन आयोडीन है कि थायरॉक्सिन कंटेन द फॉर एटम ऑफ आयोडीन कि थायरॉक्सिन के पास उसके स्ट्रक्चर के अंदर चार आयोडीन के एटम हैं इसलिए उसको टी फॉर कहा जाता है फॉर मतलब कि उसके स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो चार आयोडीन जो है वो प्रेजेंट है उसी तरह से जो टी थ्री हम लिखते हैं तो थ्री थ्री के, के अंदर जो टोटल तीन आयोडीन होते हैं तो इस तरह से जो आयोडीन की काफ़ी इम्पोर्टेंस है थायराइड ग्लैंड के प्रॉपर फंक्शन के लिए एज वेल एज जो थायराइड फॉलिकल्स T3 थ्री एंड टी को रिलीज करते हैं उसमें भी आयोडीन का काफ़ी इम्पोर्टेंस है तो डिस्टर्बेंस इन रिलीज ऑफ थाइरॉयड हॉर्मोन लीड टू थायरोयड डिसीज एंड डिसडर्स अब ये जो आपके थायरोयड ग्लैंड है कि जो बटरफ्लाई सेप की यहाँ पे देख रहे हैं तो ये वाली ग्लैंड के ऊपर समझो कि कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं वहाँ पे डिस्टरबेंस होता है यहाँ पे कोई इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे मेनली जो असर पड़ता है उसके हार्मोन्स के रिलीज ऊपर और उसके कारण थाइरॉयड रिलेटेड डिसीज एंड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं और डिस्टरबेंस भी होता है आपके थायरॉयड हार्मोन के रिलीज़ के अंदर तो थायरॉयड डिसीज जो मेनली हम आ, समझे तो दो टाइप की है एक हाइपर और एक हाइपो तो हाइपर थारोडिज़म में क्या होता है कि ग्लैंड जो है यहाँ पे थाइरॉयड ग्लैंड वो ओवर एक्टिव हो जाती है मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में थाइरोयड हार्मोन्स को प्रोडक्शन करती है और हाइपर uh, थाइरोडिज़म में कई बार देखने को मिलता है एनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड भी कई बार देखने को मिलता है तो ये हो गई कंडीशन हाइपर थाइरोडिज़म की उससे कम्प्लीटली विपरीत कंडीशन प्रोड्यूस होती है हाइपर थारोडिज़म के अंदर की जहाँ पे ग्लैंड जो है वो अंडर एक्टिव हो जाती है अंडर एक्टिव होने के कारण ये ग्लैंड जो है वो प्रॉपर अमाउंट में थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते कि जिसको कहते हैं कि इन प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड कि लंबे समय तक आपकी जो ग्लैंड है वो अंडर एक्टिव रहने के कारण प्रॉपर हार्मोन्स रिलीज नहीं कर पाते तो जब हाइपोथायरॉडिज़म की कंडीशन होती है उस वक्त भी मेडिकेशंस लेकर आप फिर से अंडर एक्टिव ग्लैंड को नॉर्मल करवा सकते हैं और उसी तरह से हाइपर थारॉयडिज़म में भी प्रॉपर मेडिकेशंस को यूज़ करके जो है उसकी कंडीशन फिर से नॉर्मल कर सकते हैं और जिसी को हम कहते हैं कि एंटी थायरॉयड मेडिकेशंस तो यहाँ पे एक कंपेरिज़न है कि, तो आप कि जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि जब आप ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हैं तो हाइपर थायरोडिज़म के अंदर क्या होता है कि ब्लड टेस्ट के अंदर टी थ्री एंड टी फोर आप देखोगे तो नॉर्मल से काफ़ी हाई होगा कि टी थ्री एंड टी फोर के नॉर्मल वैल्यूज़ जो है वो ब्लड रिपोर्ट के अंदर लिखा ही होता है तो वहाँ पे आप चेक करोगे तो T3 थ्री एंड टी का लेवल आपको ज़्यादा मिलेगा हाइपर थारोडिज्म के अंदर और टी की वैल्यू काफ़ी कम होगी ये ब्लड रिपोर्ट के अंदर आपको ये दोनों चीज़ें पता चल जाएगी उसी तरह से जब हाइपर कब डायग्नोस होगा तो ब्लड टेस्ट के अंदर आप देखोगे तो T3 थ्री एंड टी का लेवल काफ़ी कम होगा वेरी लो जबकि टी एस एच आप देखोगे थाइरयड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन तो उसका लेवल कैसा होगा काफ़ी हाई होगा तो जब ब्लड टेस्ट में इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिलती है तो वो कंडीशन डायग्नोस हो जाती है एज अ हाइपर और हाइपर के अंदर क्या होता है कि लो टी एस एच एंड हाई टू थ्री ट्री फोर उसके अलावा भी कुछ ऐसे सिम्टम्स है कि जिससे आपको पता चलेगा कि पर्सन को हाइपर थारॉयडिज्म है कि बिना टेस्ट करवाए भी कई बार सिम्टमेटिक डायग्नोसिस से आपको पता चलेगा और उसके बाद आप जाते हैं ब्लड टेस्ट के लिए तो इनटॉलरेंस तो हीट कि गर्मी टॉलरेट नहीं कर पाएगा पेशेंट हाइपर में उसको डायरिया होंगे बल्जिंग जाए देखने को मिलेगी पॉफी आइज़ देखने को मिलेगी इडिमा मतलब कि इन्फ्लामेशन जैसा देखने को मिलेगा आपको आई या फिर आई के आसपास वेट लॉस हो जाएगा उसका इंक्रीज एपिडाइट कि भूख लगेगी फिर भी वेट लॉस होगा जैसे कि गोइटर के कंडीशन है ग्रेव्स डिसीज पेपिलोरी कार्सिनोमा जैसे एग्जाम्पल्स बनते हैं कुछ हाइपर थाइरज़म के कंडीशन के जबकि हाइपो में क्या होता है कि, कि यहाँ पे गर्मी लगती थी तो हाइपो के अंदर पर्सन को ठंड लगेगी और डायरिया के बजाय यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन का हो जाता है आई पे एंड फेसियल मतलब कि चेहरे पे एज़ वेल एज आइज़ का जो पोर्सन है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सूजन इन्फ्लेमेशन वेट गेन होगा और भूख कम होगी कि पर्सन खाना कम खाता है फिर भी उसका वेट गेन होता है और जिसके एग्जाम्पल बनते हैं क्रिटिनिज्म और मिक्सोडिमा जैसे कंडीशंस इवन आप यहाँ पे डायग्राम से भी देख सकते हैं कि हाइपोथायरोडिज़म पर्सन को ठंड लगती है तो उसने देखो पूरा शरीर जो है वो कवर करके रखा है स्वेटर मफलर वगैरह यूज़ करके और हाइपरथायरोडिज़म में गर्मी लग रही है इसलिए ये फैन वगैरह जो है वो आप देख सकते हैं कि यूज़ कर रहा है पेशेंट और यहाँ पे वेट जो है वेट लॉस आप देख रहे हैं जबकि यहाँ पे वेट इंक्रीज हो रहा है तो ये सब सिम्टम्स डेवलप होते हैं हाइपर वर्सेस हाइपो के अंदर तो डायग्नोसिस तो जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है कि लो टी एस एच है एलिवेटेड टी थ्री पर तो हाइपर पता चलेगा थारॉयड स्कैन कर सकते हैं आप आयोडीन अपटेक तो इस तरह से प्रॉपर पता चलता है कि आप अल्ट्रासाउंड तो भी करवा सकते हैं आयोडीन का लेवल कितना है वो भी चेक करवा सकते हैं तो वो हाइपर जबकि हाइपो के अंदर उससे रिवर्स हो जाएगा लो टी एस एच के बजाय हाई टी एस एच और एलिवेटेड टी थ्री टी फोर के बजाय लो लेवल ऑफ टी थ्री एंड टी फोर की जो हाइपो कंडीशन हम कहेंगे और ये है नॉर्मल वैल्यूज की जो आप देख सकते हैं कि टी थ्री की नॉर्मल वैल्यूज़ फोर पॉइंट सिक्स से लेकर बारह माइक्रोग्राम पर डे लीटर उसी तरह का टी फोर का आप देख सकते हैं फिर टी एस एच के लेवल देख सकते हैं फ्री जो टी थ्री होता है फ्री टी फोर तो सभी के वैल्यूज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एकदम नॉर्मल वैल्यूज़ जो हम कहते हैं तो उसके कंपेयर में जब T3 थ्री एंड टी का लेवल जो है वो इंक्रीज हुआ तो हाइपर थारिज़्म और T3 थ्री टी जो है वो रिड्यूस हो चुका है तो उसको हम कहते हैं हाइपो तो ट्रीटमेंट जो होती है हाइपर थाइरोडिज्म में कि तो एंटी थायरोड ड्रग्स है रेडियो एक्टिव आयोडिन थेरापी सर्जरी वगैरह ऑप्शन बनते हैं तो उसमें हम सीखने वाले हैं जो एंटी थायरॉयड ड्रग्स के बारे में तो एंटी एंटीथायरोड ड्रग्स के अंदर सबसे पॉपुलर है प्रोपाइल था कि जिसको शॉर्ट में पी कहा जाता है प्रोपाइल थायोरिल सेल और उसके आप डोजेस देखो तो 100 मिलीग्राम से लेकर 300 मिलीग्राम थ्री टाइम्स अ डे जो है वो पेशेंट उसको ले सकता है तो यहाँ पे आप 50 मिलीग्राम का भी देख सकते हैं कि कई बार ट्रीटमेंट जो है वो लोअर डोज से स्टार्ट की जाती है कि पर्सन की जो ट्रीटमेंट है वो लोअर डोज से स्टार्ट किया जाता है और हर महीने या फिर हर दो महीने के बाद उसके ब्लड टेस्ट या फिर ब्लड रिपोर्ट करवाए जाते हैं और कंपैरिजन करके फिर इसके डोज़ इंक्रीज़ किए जाते हैं या फिर डिक्रीज़ किए जाते हैं फिर दूसरा ऑप्शन रहता है आपके पास मैथीमाजोल के टैबलेट्स का तो मैथीमाजल के अंदर आप देखो तो उसका भी टेन से लेकर ट्वेंटी मिलीग्राम टी आई थ्री टाइम्स अ डे और फिर वंस अ डे ले सकता है और इसके अंदर भी आप देखो तो पाँच मिलीग्राम का ये कंटेंट आता है कि जो ट्रीटमेंट यूजली जो है आप लोअर डोज से स्टार्ट करते कि जिससे प्रॉपर पता चले और ऐसा ना हो कि फिर हायर अमाउंट में ये मेडिकेशन लेने से क्या हो जाता है कि पहले आपका T3 थ्री एंड टी जो था काफ़ी हाई था उस वक्त आप यूज़ करते थे ये हाइपर के मेडिकेशंस बट उसको समझे कि ओवर डोज में यूज़ कर लिया काफ़ी हायर डोज में यूज़ कर लिया तो विपरीत कंडीशन हो जाती है कि T3 T4 जो काफ़ी हाई था उसके बजाय हो जाता है लो तो हाइपर थाइरोडिज़म से आप हाइपो के कंडीशन में आ जाते हैं तो ज़रूरी है कि प्रॉपर रेगुलरली चेकअप कराते रहना चाहिए ब्लड टेस्ट वगैरह करके और ज़रूरत पड़े पर इसके डोज़ जो है वो इंक्रीज भी किए जाते हैं और काफ़ी कम भी कर दिए जाते हैं फिर बात करें कार्बीमाजोल की तो कार्बीमाजोल के 40 मिलीग्राम्स के टैबलेट्स वन सडे यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बीमाजोल तो उसके भी टैबलेट्स यूजली लोअर डोज से स्टार्ट किए जाते हैं एंड आयोडीन 131 जो है उसकी भी ट्रीटमेंट जो होती है कि जो भी हम इंक्लूड कर सकते हैं एंटी थायरोयड ड्रग्स के अंदर कि जब थारॉयड ग्लैंड जो है वो ओवर एक्टिव है और काफ़ी हाई अमाउंट में थायरोयड हार्मोन्स को रिलीज कर रहे थे तो ये मेडिकेशंस का भी यूज किए जाते हैं कि टी थ्री एंड ट्री फोर हाई है और टी एस एच की कंडीशन ऐसी है कि वो लो है तो उस वक्त ये मेडिकेशंस आपके लिए बेस्ड बनते हैं फिर जो आयोडीन थेरापी की जो हम बात करते हैं तो आयोडीन 131 जो है वो यूज़ किया जाता है और इमिशन ऑफ आल्फा पार्टिकल्स एंड डिस्ट्रॉय द थायरॉयड टिस्यूज़ के थायरॉयड का टिश्यू ऐसा है कि ओवर एक्टिव हो चुका है और ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है और उस तरह से भी आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं और ये रेडियोक्टिव आयोडीन जो है वो ये इस तरह से टैबलेट के फॉर्म में आपकी ओरल कैविटी के अंदर जो है वो इंजेस्ट किया जाता है वो वहाँ पे जाके अल्फा पार्टिकल्स का इमिशन करता है कि जो थाइरोड टिश्यूज को करेंगे डैमेज अब बात करें हाइपर की कंडीशन समझे कि प्रेगनेंसी के अंदर होती है तो कौन से मेडिकेशन यूज किया जाते हैं तो जो ड्रग ऑफ चॉइस हम कहते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस या फिर ड्रग ऑफ चॉइस तो वो है ये पीटीयू प्रोपाइल था यूरेसिल आपके लिए है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपर थाजम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कि जब प्रेगनेंसी के अंदर टी थ्री एंड टी फोर का लेवल काफ़ी हाई है टी जो है वो कम है तो ऐसे कंडीशन में आप जो है वो फर्स्ट चॉइस रहती है प्रोपाइल था बट समझो कि, कि किसी को पी टी यू सूट नहीं हो रहा है उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहा तो ये तो आपके पास फर्स्ट चॉइस है सेकेंड चॉइस बनेगा फिर आपके लिए ये मैथीमाजोल के टैबलेट और उसको भी आप यूजली लोअर डोज से ही स्टार्ट करते हैं तो पी जो है वो यूजली फर्स्ट ट्राइमिस्टर के अंदर यूज़ किया जाता है और सेकेंड ट्राइमस्टर और उसके बाकी का जो प्रेगनेंसी का जो पूरा पीरियड है तब तक मैथीमाजोल के जो टैबलेट्स है वो पेशेंट यूज़ करते तो सिर्फ फर्स्ट ट्राइमिस्टर की जो फर्स्ट ट्वेल्व वीक की प्रेगनेंसी हम कहते हैं तब तक आप जो है वो पी यूज़ करो और उसके बाद जो है वो रिप्लेस किया जाता है पी को मैथीमाजोल से सेकेंड प्राइमिस्टर से जो बाकी का जितना भी प्रेगनेंसी का टाइम बचता है डिलीवरी तक आप मेथीमाजोल यूज़ कर सकते हैं अब ये मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट वो क्रॉस कर सकते हैं प्लेसेंटा को कि जब काफ़ी हायर डोज में यूज़ कर दिया जाए तो फीटल थायराइड फंक्शन के ऊपर उसकी असर पड़ सकती है मिल्क के अंदर भी एक्सक्रिएट हो सकता है कि समझो कि लैक्टेशन के दौरान आप लेते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान तो वो मिल्क के अंदर एक्सक्रीट हो सकता है स्किन के ऊपर रेसिस करवा सकता है फीवर है पेरिफेरल न्यूराइटिस हो सकता है पॉलीआर्थराइटिस एंड ग्रैनुलोसाइटोपेनिया कि जो कई बार रिवर्सेबल कंडीशन भी होती है तो इस टाइप के स्किन पर रेसिस भी देखने को मिलती है कुछ लोगों को और कुछ केसेस के अंदर फीवर भी देखने को मिलता है ड्यू टू साइड इफेक्ट तो ऐसा कुछ भी होता है तो तुरंत आपके फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करके तुरंत मेडिकेशंस जो है वो रिप्लेस करवाना ज़रूरी है या फिर उनका जो डोज़ एडजस्टमेंट है उस वक्त काफ़ी ज़रूरी है अब बात करें कि मेडिकेशन फॉर हाइपोथाइरोडिज़म हाइपो की कंडीशन ऐसी कि जब टी की लेवल आपको देखोगे रिपोर्ट के अंदर तो काफ़ी हाई देखने को मिलेगी जबकि T3 और T4 दोनों का जो लेवल है वो काफ़ी होगा लो मतलब कि आपकी ग्लैंड कैसी है अंडर एक्टिव हो चुकी है अंडर एक्टिव तो अब उसको प्रॉपर नॉर्मलाइज करना ज़रूरी है तो इसलिए आप बाहर से जो थाइरॉक्सिन्स हार्मोन लेंगे कि जो लेबोरेटरी के अंदर बनाए हुए और ये आप एग्जांपल देख सकते हैं लियोथायरॉक्सिन के टैबलेट्स की जो 25 माइक्रोग्राम के अंदर अवेलेबल है तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर हाइपोथायरोडिज्म इन्वॉल्व द डेली यूज ऑफ सिंथेटिक थाइरॉयड हॉर्मोन कि लियोथायरॉक्सिन जो है वो सिंथेटिक थायरॉयड हॉर्मोन लेबोरेटरी में बनाया जाता है तो वो पर्सन यूज़ करता है लियोथाइरोक्सिन के जो 25 माइक्रोग्राम के जो टैबलेट्स है वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाते हैं टू ट्रीट द कंडीशन ऑफ हाइपोथायरॉइडिज्म वेयर अंडर एक्टिव थारॉयड ग्लैंड रिलीज द लो टी थ्री एंड टी फोर एंड इन लेवल ऑफ टी एस एच इन बॉडी कि अंडर एक्टिव ग्लैंड क्या कर देती है टी एस एस ज़्यादा रिलीज करवाती है एंड टी थ्री टी फोर रिड्यूस करवा देती है कि उस वक्त ये कंडीशन को मैनेज करने के लिए लियोथायरॉक्सिन के जो सोड लियोथायरोक्सिन सोडियम के जो टैबलेट 25 माइक्रोग्राम में यूज़ किया जाता है और यूजुअली एक मंथ तक लेने से कंडीशन जो है वो नॉर्मल हो जाती है और एक मंथ के बाद आपको फिर से ब्लड टेस्ट जो है वो करवा लेना चाहिए और उसमें भी आप टी थ्री टी फोर एंड टी एस एच ये तीनों का जो लेवल है वो खास चेक करवा लीजिए कि जिससे आगे पता चले बिकॉज़ यहाँ पर भी फिर क्या होता है ये मेडिकेशन आप लंबे समय तक यूज़ करते रहेंगे तो फिर से ये जो T3 T4 लो था वो रिवर्स होके हाई हो जाएगा तो जब भी ये थायराइड के मेडिकेशंस यूज़ किए जाते हैं कि चाहे वो आप पी यूज़ करते हो कार्बिमाजोल मेथी माजौल या फिर ये लियोथाइरोक्सिन तो जरूरी है कि हर एक महीने पे या फिर दो महीने पे आप ब्लड टेस्ट करवाएं और प्रॉपर मेडिकेशंस का डोज जरूरी है और उसमें मेन इम्पोर्टेंट कि आपको जो डोज प्रिस्क्राइब किया गया है इतना ही डोज लिए हायर डोज में लेने से ऐसा नहीं कि आपकी कंडीशन जल्दी से ट्रीट हो जाएगी बट हायर डोज में ये मेडिकेशंस लेने से उनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं एज वेल एज़ समझे कि हाइपोथाइरोडिज़म है तो वो हाइपो के अंदर भी कन्वर्ट कर सक कन्वर्ट हो सकता है और हाइपो है तो हाइपर के अंदर तो दोनों रिवर्सिबल हो सकते कि अगर मेडिकेशन जो है वह प्रॉपर नहीं लेते अब सेम बात आएगी हाइपर की तरह हाइपो के अंदर भी कि प्रेगनेंसी के अंदर ऐसी कंडीशन है तो क्या करें तो सेम ऑप्शन है आपके पास लियोथायरॉक्सिन ये मेडिकेशन जो है वो सेफ कही जाती है प्रेगनेंसी के दौरान तो लियोथायरॉक्सिन इज द मोस्ट कॉमन मेडिसिन यूज टू ट्रीट द अंडर एक्टिव थारॉयड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड लियोथायरॉक्सिन रिप्लेस द थाइरॉयड हार्मोन टी फोर विच योर ऑन थाइरॉयड इजेंट मेकिंग और इजेंट मेकिंग इनफ ऑफ इट कि आपकी जो ग्लैंड है वो टी फोर को समझो कि अच्छे से नहीं बना रही तो ये मेडिकेशन से वो टीफॉर को अच्छे से कंट्रोल करके देखिए एंड इट्स द सेफ टू टेक दिस मेडिकेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी तो प्रेगनेंसी के दौरान ये सेफ कहा जाता है उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी है तो ये मेडिकेशंस लिवोथायरोक्सिन लेने के बाद वॉमिटिंग हो सकता है डायरिया हो सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंज हो सकता है फीवर हो सकता है पेशेंट्स को सेंसिटिविटी टू तो हीट ऐसा हो सकता है पेन इन बॉडी क्रेम्स आ सकते हैं मूड स्विंग हो सकता है इंक्रीज एपिटाइट कि आपकी भूख जो है वो बढ़ेगी वेट वेरिएशंस मतलब कि बॉडी वेट के अंदर फ्लक्चुएसन्स देखने को मिलेगा और हेड वगैरह की कंडीशन की सर दर्द वगैरह देखने को मिलता है एज़ अ साइड इफेक्ट तो ये था हमारा स्पेशल वीडियो लेक्चर अबाउट द एंटी थाइरॉयड मेडिकेशंस और मेडिकेशंस यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ थायरॉयड डिसीज के चाहे वो हाइपर है या फिर हाइपो तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर फार्मारॉक्स के लेक्चर नोट्स अवेलेबल है फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल को थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर एंड्रॉयड यूज़र एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें आईफोन यूजर ऐप स्टोर से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गुड लक एंड ऑल द बेस्ट